देखिए, वी गली के लिए आपने फ्रंट साइड इस तरीके से कटिंग की जैसे मैंने बताया, और बैक साइड पे जस्ट ऊपर से जहाँ तक आप जाते हैं जस्ट ऊपर पे आप सिर्फ एक बार ऐसे कटिंग कर लीजिए, जितने फंदे दोनों जोड़ने हैं उतने छोड़कर, बाकी जो बचे उनको एक साथ आप घटा के एक लाइन सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी, बस तीन लाइनें कीजिएगा और ये इस तरह से बनेगा। आइए आपको मैं दिखाती हूँ कि फंदे इस पर उठाते कैसे हैं। इसे देखिए, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, आप इसमें से ये जो है ये देखिए, इसमें से आप ऐसे सिलाई डालेंगे, ऊन लेंगे और इसे ऐसे इस तरीके से निकालेंगे। देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा फंदा, ये हर एक इस पे आप इस तरीके से डालेंगे और ऐसे निकालेंगे, तो ये आपका एक एक फंदा बनता जाएगा। देखिए, ज़्यादा गैप भी नहीं रखिएगा और बहुत ही ज़्यादा पास भी मत कीजिएगा। ये देखिए, आपको खुद ही दिख जाएगा, देखिए इस तरीके से। ये ऐसे ऐसे करके आप पूरे गले में फंदे उठाइएगा इस तरीके से। देखिए, ये देखिए, अब ये जो आपने एक फंदा छोड़ा हुआ है इसे आप ऐसे ही रखेंगे और दूसरी सिलाई में दूसरी तरफ से फंदे उठाएंगे। ये आपकी गोल गले जो सिलाइयाँ होती है, गोल गले वाली गले की सिलाइयाँ, उससे बनेगा। इस तरीके से आप सारे फंदे आगे पीछे के दोनों तरफ की और पीछे के भी उठा लीजिए। देखिए, आपको अपने आप दिखता जाएगा, देखिए इस तरीके से। जितने फंदे लेफ्ट उतने फंदे राइट में होने चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से आप गले के फंदे उठाएंगे। ये मैं आपको वी गला बता रही हूँ। ये दो सिलाई हो गई, अब ये तीसरी पीछे का हिस्सा जो है आपने इसे उठाना है इस तरीके से। ये देखिए, हमने तीनों सिलाइयों पे इस तरीके से फंदे उठा लिए और अब ये जो आपने स्टार्टिंग किया था जहाँ से फंदे उठाने का, वहाँ पे आपका धागा आ गया। अब आप इसे बॉर्डर बनाएंगे, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। इसी तरीके से आप जहाँ नीचे हमने एक फंदा छोड़ा है वहाँ तक जाएंगे। मैं बताती हूँ आपको वी गले का हम किस तरीके से वो शेप लाते हैं। ये आपने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ एक फंदा बचा, इस फंदे को आप ये जो फंदा हमने निकाल के रखा हुआ था इसे आप इस वाले में इस तरीके से उठाएंगे और इसमें एक जो फंदा बता वो भी आप इसी में ले लीजिए, ठीक है।
अब आप जो है इसे उतार दीजिए दोनों को, और इसे आप बुन लीजिए। और ये जो है ये दोनों फंदे, ये जो दो फंदे आपको दिख रहे हैं जो हमने उतारे थे, ये इसके इस तरीके से जाएंगे ऐसे। यहाँ पे आपने बस जस्ट मार्क बनाना है कि आपने इस वाले फंदे पे बनाना है, इसलिए ऐसे इसे हम करके रखेंगे। फिर वही करके आप पूरा बॉर्डर पूरा बना दीजिए दोनों साइड्स के, एक सीधा एक उल्टा। देखिए लास्ट जब ऐसे आता है इसे बना दीजिए, और इसके बाद एक फंदा ये और एक जो दूसरी सिलाई का है, देखिए कैसे आप इसको इस पे ऐसे ले लीजिए, ठीक है, और इन दोनों फंदों का आप एक खींचिए इस तरीके से, दो फंदों का, एक इस सिलाई का एक उस सिलाई का, दो कर देंगे। और जो ये फंदा हमने छोड़ा हुआ है इसे ऐसे उतारेंगे, और इस वाली फंदे को जो छोड़ा हुआ था उस पर उसे इसके ऊपर से उतार देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये गला आपका वी गला जो है इस तरीके से बनता जाएगा, चार सिलाइयों, एक ये एक ये और एक बीच का जो फंदा आता है आपका। तो आप इस तरीके से ये सिलाई बनाएंगे, ये लास्ट में आपका एक फंदा रखेंगे, इस लास्ट में इस लास्ट के दोनों फंदों को एक करेंगे, और इस फंदे को जो ये छोड़ा हुआ है उसको हम उसके ऊपर से उतार देंगे। और जितनी बॉर्डर आपने जितना बड़ा बनाना है, कम से कम 8-10 सिलाइयों का बॉर्डर तो बनता ही है, उसे बनाने के बाद ये वी गला बन जाता है आपका। थैंक यू।